गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ सरिता सोनी फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल. लेट अस स्टार्ट द साइंस ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड. एज यू नो यस्टरडे वी हैव रीड अबाउट द इडेबल पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट के खाने योग्य जो पार्ट होता है उसके बारे में किया था. एंड नाउ वी विल मेक सम स्प्राउट्स. हमें आज हम क्या करेंगे, कुछ स्प्राउट्स बनाएंगे. स्प्राउट्स क्या होते हैं? जो सीड्स होते हैं जब हम उन्हें खाने के लिए जर्मिनेट कर लेते हैं, व्हेन वी जर्मिनेट द सीड्स फॉर आवर ईटिंग पर्पस एट आवर होम, दैट इज द स्प्राउट्स. अब स्प्राउट्स बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट द सीड विच इज यूज फॉर द स्प्राउटिंग. स्प्राउट्स के लिए हम कौन से सीड इस्तेमाल कर रहे हैं? एंड प्रेजेंट टाइम वी आर using मूंग seeds. मूंग के जो पूरे दाने आते हैं, मूंग जिसको कहते हैं साबुत मूंग, we will take that मूंग. We want other thing is the water and next is the मलमल cloth, white मलमल cloth. First of all we will take the मूंग seeds, मूंग tins कह देंगे, and soak them overnight in a water, in the water. और पूरी रात हम उसे पानी में भिगोएंगे. After that next morning we will remove all the water. पूरा पानी निकालने के बाद we will spread them on a cloth and tie the cloth. और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको एक कपड़े पे फैला लेंगे, कपड़े को हम बांध देंगे and leave it for one day. एक दिन के लिए छोड़ देंगे. After one day when we open the cloth we will find that there are small white outgrowths come out from that मूंग seeds. और मूंग की जो सीड है उसके ऊपर से छोटे छोटे व्हाइट आउटग्रोथ आपको मिल रहे हैं एंड दैट इज द स्प्राउट्स. जो स्प्राउट सीड होते हैं, स्प्राउटेड होते हैं, दे कंटेन मोर विटामिन्स एंड दे आर डिलीशियस. वी कैन दीज ईट दीज स्प्राउट्स बाय बॉइलिंग और रॉ, मतलब हम उनको कच्चा भी खा सकते हैं बॉइल करके उसमें मसाला मिला के, या फिर कच्चे में हम मसाला मिला के उसको खा सकते हैं. दे आर मोर न्यूट्रिशियस एंड दे कंटेन मोर विटामिन्स. अब एनिमल्स गिव अस ऑल्सो फूड. एनिमल भी हमको भोजन देते हैं, तो फूड फ्रॉम एनिमल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द मिल्क. मिल्क जो हमें मिलता है वो एनिमल में मिलता है, काऊ, बफेलो और गोट. बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हमें मिलते हैं. अभी बहुत रिसर्च चल रही है कि वी विल गेट मिल्क फ्रॉम लेडी कैमल, मतलब ऊँटनी का दूध जो होता है वो भी हमें मिल सकता है. उसका भी इस्तेमाल अभी चल रहा है, बट इट इज़ ऑन द रिसर्च लेवल. अब आप देखते हैं इसके आपको क्या बनता है. चीज बनती है इसकी, घी बनता है, पनीर बनती है, एग्स. दूसरा एग्स कौन देता है हमको? मुर्गी, टर्की, हैन, टर्की, डक्स. और ये क्या है, आपके एग जो होते हैं रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन्स. नाउ कम टू द मीट. फिश, हैन, गोट, दीज आर द सोर्सेज ऑफ मीट. मछली है, मुर्गी है, बकरी है, ये सब आपके मीट के सोर्स है. मीट क्या है? मीट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. आफ्टर दैट हनी. एक्चुअली हनी बीज कलेक्ट हनी. हनी बीज मेक हनी. हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी. हनी बीज क्या करती है, नेक्टर जो होती है फ्लावर में से नेक्टर लेती है, उसे हनी में कन्वर्ट करता है. हनी क्या होता है, एक लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड होता है, दैट इज वेरी डिलीशियस एंड इट हैज अ मेडिसिनल वैल्यूज. उसकी बहुत सारी दवाइयों में वो काम आता है. नाउ कम टू द एपिकल्चर. व्हाट इज द एपिकल्चर? रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज द एपिकल्चर. जब हम मधुमक्खियों को एक बहुत बड़े स्केल पर पालते हैं, हम उसको रियर करते हैं, देखभाल करते हैं, सो दैट वी कैन टेक द हनी, वी कैन गेट द हनी, तो दैट इज नोन एज दिस प्रोसेस इज द एपिकल्चर, रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल. ऑन द बेस ऑफ फूड हैबिट. फूड हैबिट यानी कि किसी भी जानवर की जो फूड हैबिट्स होती हैं उसके बेस पे हमने एनिमल्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया. थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल. नंबर वन हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स हर्ब प्लस वोर्स. हर्ब मतलब कि पेड़ पत्ती और वोर्स माने ईटर. ऐसे एनिमल जो कि पेड़ पत्ती खाते हैं. द एनिमल्स विच ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट आर नोन एज द हर्बीवोर्स. एग्जाम्पल काऊ, रैबिट, डियर. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड कार्निवोर्स. कार्निवोर्स मीन्स फ्लैश ईटर. द एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स
दैट इज कार्निवोर्स. एग्जाम्पल कार्निवोर, टाइगर, लॉयन, ईगल, ये सब क्या कहते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. दैट इज द फ्लैश. फ्लैश का मतलब होता है वन इज द फ्लैश, अदर इज द मीट. फ्लैश वो होता है जो कच्चा मांस होता है, जैसे शिकार करके खाया जाता है ना. और मीट क्या होता है, जब पका के खाया जाता है, दैट इज द मीट. फ्लैश मीन्स कच्चा. नाउ कम टू द कार्निवोर्स. कार्निवोर्स इज द सेकेंड. थर्ड इज द ओमनीवोर्स. ओमनी मीन्स बोथ. वोर्स माने ईटिंग. एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. एक ऐसे जानवर जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स यानी मीट फ्लैश वो भी वो सब खाते हैं, दैट इज नोन एज द ओमनीवोर्स. इन हिंदी वी कैन से द सर्वाहारी. तो ओमनीवोर्स एग्जाम्पल ह्यूमन, क्रो, रैट, दीज आर द ओमनीवोर्स बिकॉज दे ईट बोथ द थिंग्स प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. नाउ आवर होमवर्क इज क्लासीफाई द एनिमल्स ऑन देयर फूड हैबिट्स. ओके, डू यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? इज देयर एनी क्वेरी यू कैन कंसल्ट मी. थैंक यू. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट मॉर्निंग.